आज मैं एक बार पुनः ग्रामीण क्षेत्र में योग यात्रा के दौरान आया हूँ और एक दिन के योग अभ्यास बताने के बाद क्या लाभ होता है और इनको घुटना में या घुटना में जो गैपिंग हो गया था उसमें क्या इनको परिवर्तन महसूस हो रहा है, मैं इन्हीं की जुबानी हम सुनना चाहेंगे। एक दिन मैंने योग सिखा करके आपको गया और एक दिन के आप अभ्यास से आपको क्या फर्क महसूस हो रहा है? है कुछ फर्क तो है जरूर। क्या फर्क महसूस कर रहे हैं आप? मतलब कि दर्द में भी कुछ आराम है। जी जी, घुटना दर्द में। हाँ, जी जी, दर्द में गैपिंग जो है कुछ कम हो रहा है ये वाला। पहला दिन मैं आया था तो ये गैपिंग काफी तीन अंगुल जी जी काफी फैला हुआ था, अब लेकिन देखिए दो अंगुल आ गया है। एक दिन का अभ्यास से जो दोनों घुटना में गैपिंग करीब तीन अंगुल था, एक अंगुल कम होकर के मात्र दो अंगुल बच गया है और इनके घुटना में जो फड़क रहा था ने, जो कड़क रहा था वो कम हो गया है। तो एक दिन के मात्र अभ्यास से हम क्या लाभ ले सकते हैं? आपने सुना है इनके द्वारा और इनको घुटना दर्द काफी 8-10 वर्षों से था। यदि इस अभ्यास को 2-3 महीना लगातार करते रहें सुबह और शाम मात्र दो ही बार, तो घुटना दर्द को आप ठीक कर सकते हैं। मैं इनको बता के गया था, मैं जानना चाहूंगा कि जो जो मैं इनको अभ्यास बताया और जो अभ्यास करने से इनको फायदा हो गया है वो अभ्यास एक बार पुनः आप दिखाने का बताने का प्रयास करेंगे। शुरू करेंगे यहाँ से पैर वाला से, पहला पैर को आगे पीछे देखिए। हाँ, दो दो बार करके दिखाइए। हाँ बस यही अभ्यास देखने में बड़ा सरल सहज सौम्य, लेकिन लाभ इतना इसका जबरदस्त है कि अवर्णनीय है लाभ इसका। इसका दूसरा अभ्यास, थोड़ा पैरों को खोल दीजिए, पैर फैला दीजिए दोनों, बहुत अच्छा। और दोनों नहीं वही दोनों फैला करके और दोनों अंगूठा को आपस में सटाइए अंदर अंदर, बस यही क्रिया। और इसे जमीन तक ले जा सकते हैं, सटाइए अंदर की तरफ, बहुत अच्छा। फिर सीधा कर दीजिए, बस यही अभ्यास करके इन्होंने और अपने घुटना दर्द को कम कर लिया, अपने घुटना के गैपिंग को कम कर लिया और इनके अंदर ये आभास हो रहा है कि यह अभ्यास किया जाए तो हमारा घुटना दर्द पूर्णतः ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना था, दोनों पैर को सटा लीजिए और दोनों घुटना को ये दे, बहुत परम लाभकारी है। घुटना को खींचना है केवल, बस खींचिए, कस के संकुचित करना है, ढीला कर दीजिए, खींचिए कस के, ढीला करिए। इस संकुचन में जितना आप शक्ति है आपके अंदर उस शक्ति को लगा करके पूरा घुटने को खींचिए और पुनः ढीला कर दीजिए। सांस को भरते हुए घुटना को खींचना है और सांसों को छोड़ते हुए घुटना को ढीला कर देना है। इस क्रिया को एक राउंड में 10 बार और इसे 4-5 राउंड कर सकते हैं। अब इसके बाद करना क्या था कि आगे की तरफ आ जाइए, सीधे पैर को लटका दीजिए, पैर थोड़ा पीछे चले जाइए हल्का, बहुत अच्छा। अब एक एक पैर को उठाइए, तानिए ऊपर की तरफ, बस 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 यही क्रिया। फिर धीरे से नीचे। मैं इसमें देखिए एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि जो पैर आप उठा रहे हैं इस पैर में पहले 0.5 किलो का वजन इसमें लटकाना है, कोई ईंटा हो कपड़ा में बांध के इसमें लटका दीजिएगा, 0.5 किलो नाप लीजिएगा वजन करके और तब उसको उठाना है। 10 दिन 0.5 किलो उठाने के बाद 11वें दिन से उसको 1 किलो कर दीजिएगा उस वजन को। इसी क्रिया को उठाते रहिए और होल्ड करके रखिए, तान के रखिए और 10 बार एक बार में करना है और 10 राउंड करना है, 5 राउंड करना है, 3 राउंड करना है। तो मैं बता रहा था इसका बहुत सुंदर टेक्निक कि पहले दिन 10 दिन बिना वजन के उठाना है, 11वें दिन से 0.5 किलो वजन दोनों पैरों में बांध देंगे, बारी बारी से उठाएंगे, फिर 10 दिन के बाद 1 किलो वजन डाल देंगे, फिर 10 दिन के बाद 1.5 किलो डाल देंगे, फिर 10 दिन के बाद 2 किलो डाल देंगे। 2 किलो वजन आप बार बार उठाएंगे तो ये घुटना के अंदर जो हड्डियां आपस में सटने लगती हैं, आपस में कटकट की आवाज होने लगती है, वो आवाज बिल्कुल बंद हो जाएगी और जो हड्डियां आपस में सट रही थी वो हड्डियों में गैप बढ़ता चला जाएगा और आपका घुटना दर्द धीरे धीरे
आप ठीक हो जाएगा। इसमें एक और चीज आपको जोड़ना चाहेंगे, थोड़ा गमछी दीजिएगा तो लपेट करके गोल गेंद की तरह, दोनों घुटना के अंदर, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, गोल थोड़ा लपेट दीजिए जैसे बीठा बनाते हैं, छोटा दम छोटा छोटा करके, इस दोनों घुटना के बीच में तकिया भी डाल सकते हैं अपने घर में, लेकिन मैं दिखाने के लिए थोड़ा देखा, गमछी को ऐसे लपेट जैसे बीठा लगाते हैं माथा पर, दीजिए दीजिए हाँ, गोल गोल लपेट दीजिए गेंद की तरह, बहुत अच्छा देखिए हाँ, इसको गोल करके या दोनों घुटना के बीच में डाल दीजिए, नहीं ऐसे इसमें हाँ, इसके ऊपरी भाग में इसको चापना है, कहने का मतलब ये हुआ हमारा, जी जी और आगे लाएंगे थोड़ा सा एकदम ठीक घुटने में पर हाँ। अब देखिए दोनों हाथ को आपको साइड में रह करके या घुटने के पास चापिए, कस के इसको चापिए जोर से, फिर थोड़ा ढीला कर दीजिए, फिर चापिए, इसको भी एक बार में 10 बार करना है, खूब कस के दबाना है आपको, घर में यदि करें तो तकिया लगा लीजिएगा इसमें और कस के दबाइएगा, फिर ढीला छोड़ दीजिएगा। आपका ये जो मैं गैप देख रहा हूं दोनों पैरों में पिंडली के पास यहां पर, तो रस्सी या गमछा से पैरवा को बांध दीजिएगा, और इसके बाद करिएगा तो जो गैपिंग बढ़ गया है वो भी गैपिंग कम हो जाएगा और शरीर या पैर दोनों सीधा हो जाएगा, और जो चलने में पहला दिन में देखा था थोड़ा पैर टेढ़ा हो रहा था, वो आपका 1 से 2 महीना में पैर आपका सीधा हो जाएगा, स्लिम हो जाएगा, स्मार्ट हो जाएगा। इस क्रिया को देखिएगा, बहुत सुंदर करिए, 10 बार चापिए कस के, जोर लगाइए लगाइए, जोर लगाइए, जोर जोर लगाइए, हाँ समझ में गए इसका टेक्निक क्या है। इस क्रिया को एक बार में 10 बार करना है, तो मैं आज आपको दोबारा मैं आता हूं और देखता हूं कि जो अभ्यास बता के गया था वो अभ्यास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बखूबी ये अभ्यास लगातार कर रहे हैं और उसका ये फायदा भी उठा रहे हैं। तो मैं तमाम दर्शकों से या देश या दुनिया के घुटना दर्द से पीड़ित लोगों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप घबराइए मत, आप धैर्य रखिए, और जो मैं अभ्यास बता रहा हूँ इस अभ्यास को अपना करके आप घर बैठे अपने घुटना को बचा सकते हैं, आप घुटना दर्द से अपने आप को राहत दिला सकते हैं। धन्यवाद।